हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो दोस्तों, आज की इस क्विक रिवीजन सीरीज की पार्ट में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो एनिमल हस्बेंड्री में और एक प्लांट ब्रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी चैप्टर जो क्विक रिवीजन सीरीज पार्ट का होता है बिट्स फॉर बायोलॉजी पे, उस पर 2 हाइलाइटर्स का यूज होता है। एक तो रेड हाइलाइटर, जिनसे मैं वो चीजों को अंडरलाइन करता हूं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, और एक तो येलो हाइलाइटर, जिनसे मैं वो चीजों को अंडरलाइन करता हूं जो एग्जामों में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जाने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, आखिर हम क्यों कर रहे हैं, ये फायदा क्या है हमें, क्योंकि हमें जो भी हमारे पास वैरायटीज हैं उनके ग्रोथ को बढ़ाना है जानवर के, उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उनके डिजायर्ड क्वालिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं। वो ऐसे हम तैयार करना चाहते हैं कोई भी क्वालिटी जो कि डिजीज रेसिस्टेंस हो, स्ट्रेस रेसिस्टेंस हो, और इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर पाए, अनफेवरेबल कंडीशन में भी। तो ऐसे हमारा ऑब्जेक्टिव यही है एनिमल ब्रीडिंग का। इसमें कुछ मेथड आएंगे, इन ब्रीडिंग मेथड, आउट ब्रीडिंग मेथड, मोएट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। इसमें एक टर्म आती है जो बच्चों को नुकसान देती है, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक एक सिंपल सा चीज होता है, कोई भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जैसे फार्म एनिमल होते हैं जिनको हम प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी चीज को बोला जाता है लाइव स्टॉक बोला जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, काउज, पिग्स, हॉर्स, कैटल, सीप, कैमल, गोट्स वगैरह कई सारे हैं इसके। इसके बाद कहा जाता है एक एस्टिमेटेड डेटा के अनुसार कि पूरी दुनिया का जो 70% वर्ल्ड का लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया और चाइना में मौजूद है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की जो पूरी है कंट्रीब्यूशन, उसमें मात्र ये 25% है। तो कहीं ना कहीं ये सरप्राइजिंग जरूर है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट बहुत ही कम है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड एनिमल्स के बारे में। यहां से तो क्वेश्चन शायद ही कभी पूछे गए होंगे आज तक 10 सालों में। इसमें बात हम करते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जनरली मिल्क के प्रोडक्शन के लिए बातें की जाती हैं, एग्रीकल्चरल वर्क में भी कुछ लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जानवरों का, जो दोनों पर्पस के लिए, मिस दोनों यूटिलिटी पर्पस के लिए, चाहे मिल्च ब्रीड बोलते हैं, ड्रॉट ब्रीड बोलते हैं, उतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप तो सिर्फ इतना याद रखना कि अगर अच्छे ब्रीड्स होंगे तो अच्छे यील्डिंग पोटेंशियल भी हमें मिल पाएगा किसी भी जानवर का। इसके बाद बात करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में। इनमें किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है पोल्ट्री में, जनरली चिकन्स को, डक्स को, समटाइम्स कभी कभी टर्की को और गीज को भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी सेम वही है जैसा हमने डेयरी फार्मिंग में किया है, हमें डिजीज फ्री अगर सिलेक्शन मिल जाता है, अगर हमें सुटेबल ब्रीड्स मिल जाते हैं तो काफी अच्छा पोल्ट्री प्रोडक्शन भी उसमें होगा, तो काफी अच्छी अर्निंग भी इसमें होती है। इसके बाद बारी आती है एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। तो एनिमल ब्रीडिंग, पहली बात है कि हम करवाते क्यों हैं, एनिमल ब्रीडिंग से हमें फायदा क्या होता है। तो एनिमल ब्रीडिंग सिंपल सा चीज है, एनिमल का ब्रीडिंग करना एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। हम जो भी क्वालिटी के ब्रीड चाहते हैं, जैसा हम यील्ड का प्रोडक्शन चाहते हैं, वैसा हम ब्रीड को तैयार कर सकते हैं। तो क्या कुछ तैयार करने के मेथड हैं? तो बिल्कुल हाँ, जिनको बोलते हैं इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। तो पहले हम समझे इन ब्रीडिंग क्या होता है। अगर किसी भी एनिमल का अगर हम ब्रीडिंग सेम ब्रीड में ही करवा रहे हैं 4 से 6 जनरेशन तक के, तो इसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग बोला जाता है। इसके बाद आती है ऑड ब्रीडिंग के बारे में। ऑड ब्रीडिंग जो है, ब्रीडिंग करवाना अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच, सेम ब्रीड के बीच, और बिटवीन जनरली इंडिविजुअल सेम ब्रीड के ही होते हैं। देखिए, इसमें कुछ कुछ बातें की जाती हैं, सेम ब्रीड भी हो सकता है और डिफरेंट ब्रीड भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम बात करें इन ब्रीडिंग को, हम समझें इन ब्रीडिंग आखिर होता क्या है। तो इनमें हम मेटिंग करवा रहे हैं रिलेटेड इंडिविजुअल्स, गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे, रिलेटेड इंडिविजुअल्स से हम करवा रहे हैं सेम ब्रीड से 4 से 6 जनरेशन तक। इन ब्रीडिंग बढ़ाएंगे, होमोजाइगोसिटी भी बढ़ेगा, यही लाइन तो लिखी हुई है यहाँ पे। इन ब्रीडिंग बढ़ाते हैं तो होमोजाइगोसिटी बढ़ता है, मीन्स इन ब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी बढ़ाने का काम करता है। तो क्या हमें होमोजाइगस प्योर लाइन मिल जाएगा? इससे जो भी हार्मफुल रिसेसिव जीन होंगे हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, है ना इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद जो भी सुपीरियर जीन है वो एक जगह पे एकुमुलेट हो जाएंगे, और जो भी लेस डिजायरेबल जीन है, जो हमें नहीं चाहिए, हम क्यों ना उसे एलिमिनेट कर दें। तो काफी अच्छा मेथड है। अगर कंटिन्यूड
अगर हम इनब्रीडिंग करवाते हैं तो फर्टिलिटी में कमी आ जाती है, तो इससे प्रोडक्टिविटी में भी कमी आ जाती है। इसी चीज को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे? आउटक्रॉसिंग से हमें इसे ओवरकम करना होगा। तो हम समझें इसके बाद आउटक्रॉसिंग क्या होता है, वो अगले पेज में हम बात करेंगे। तो हम समझें आउटब्रीडिंग क्या होता है। तो आउटब्रीडिंग, अगर अनरिलेटेड एनिमल से अगर हम ब्रीडिंग करवाते हैं, जो कि इंडिविजुअल सेम ब्रीड का भी हो सकता है, डिफरेंट ब्रीड का भी हो सकता है और डिफरेंट स्पेसीज के भी हो सकते हैं, इसी चीज को आउटब्रीडिंग बोला जाता है। आउटब्रीडिंग के टोटल हमें तीन टाइप पढ़ने हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आउटक्रॉसिंग क्या होता है। तो जो भी एनिमल्स का अगर मेटिंग करवाया जाए जिसके सेम ब्रीड के साथ, लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए पेडिग्री में 4 से 6 जनरेशन तक के, ये जनरली आउटक्रॉसिंग उनके लिए है जिनका मिल्क प्रोडक्शन काफी कम रहा हो जिस एनिमल का, या मीट प्रोडक्शन काफी कम रहा हो, उनके लिए हम करवाते हैं आउटक्रॉसिंग। इसके बाद आउटक्रॉसिंग के बारे में मैंने आपको बताया ही, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से अगर ओवरकम करना है तो आउटक्रॉसिंग ही करवाई जाती है। इसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग की बात करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? तो कोई भी मेल का एक सुपीरियर पार्ट ले लो और एक फीमेल का सुपीरियर पार्ट ले लो किसी भी एक ब्रीड का, और उसको अनदर ब्रीड के साथ करवा दो, तो इसी चीज को क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। जो भी नए एनिमल्स हैं जो ब्रीडिंग करवाई जा रही है, उसमें सबसे अच्छा मेथड माना जा रहा है क्रॉस ब्रीडिंग। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक हिसार डले जो कि सीप की एक हाइब्रिड है, उसको तैयार किया गया बीकानेरी ईव से और मैरिनो रैम से। तो ऐसे काफी चीज हो रहे हैं जो कि ब्रीडिंग से जनरेट हो रहे हैं। इनके बाद हम बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की। इनमें मेटिंग करवाया जाता है दो डिफरेंट स्पेसिस के मेल्स और फीमेल्स को, इसी चीज को बोला जाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मेल डंकी है, ठीक है, मेल डंकी और फीमेल डंक हॉर्स को दोनों को करवाया गया, तो इसके बाद एक म्यूल का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी चीज है। इसके आगे हम बात करें कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से तैयार किए जा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मेल से सीमेन को कलेक्ट किया जाएगा और उसको जो भी सिलेक्टेड फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको इंजेक्ट किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का फायदा बहुत ज्यादा है, बहुत सारे जो नॉर्मल मेटिंग्स के प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे ओवरकम किया जा सकता है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट जो मुएट की बात करते हैं, मल्टीपल ओवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले कोई भी काऊ है, कोई भी गाय है, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटेड करेंगे FSH हार्मोन, हम उसमें पहले देना स्टार्ट करेंगे। जब FSH हार्मोन देंगे तो उनमें सुपर ओवोल्यूशन होगा, क्योंकि इंड्यूस फॉलिकुलर मैचुरेशन हुआ है उसके कारण इसमें 6 से 8 अंडे का फॉर्मेशन होता है पर साइकिल में। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन्हें करवाया जाता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेंगे 8 से 32 सेल्स के, और जिनको नॉन जेनेटिकली रिकवर होगा, और फिर उनको सरोगेट मदर में हम उनको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये मेथड जो है जनरली हर्ड का साइज जो है, अगर छोटे टाइम में कम टाइम में अगर हमें हर्ड के साइज को बढ़ाना है तो ये मेथड का यूज किया जाता है। मोएट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसके आगे हम बात करें बी कीपिंग के बारे में बात करते हैं, जिसको बोला जाता है एपिकल्चर बोला जाता है। तो एपिकल्चर क्या होता है, जो हनी बी है तो हनी बी का अगर हम प्रोडक्शन हमें करना है, हनी का प्रोडक्शन हमें करना है, और कैसे हम हाइव्स को मेंटेन करें, बी कीपिंग एपिकल्चर सब एक ही चीज होता है। जो और भी मिलने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें बीज वैक्स होता है, जिनका यूज कॉस्मेटिक और पॉलिसिस वगैरह में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पस में भी काफी अच्छा यूज है। बी कीपिंग अगर हम किसी एरिया में कर रहे हैं तो उसमें जनरली श्रब्स, फ्रूट ऑर्किड्स और कल्टीवेटेड क्रॉप्स वगैरह जो होते हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो पॉलिनेटर्स अच्छा और हो पाता है। जो मोस्ट कॉमन स्पेसीज है वो है एपिस इंडिका होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि सक्सेसफुल बी कीपिंग कैसे कर सकते हैं। इनमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्वाम्स। ग्रुप ऑफ बीज को बोला जाता है स्वाम्स बोला जाता है। इसमें बीज जो होते हैं वो पॉलिनेटर्स होते हैं। मेनली क्या होते हैं वहां पर क्रॉप के स्पेसीज इंपॉर्टेंट है, सनफ्लावर, ब्रैसिका, एप्पल और पियर, ये 4 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्रॉप स्पेसिस जहां पे ये पॉलिनेटर्स होते हैं बीज। इसके बाद क्रॉप फील्ड्स में इसलिए खा जाता है कि उसकी पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ सके। पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इल्ड भी बढ़ेगा, इल्ड दोनों का बढ़ता है, हनी का भी इल्ड बढ़ता है, क्रॉप का भी इल्ड बढ़ता है, क्योंकि पॉलिनेशन काफी अच्छा हो रहा है। इसके बाद आप तो जानते होंगे जो क्वीन होती हैं बीज वो फर्टाइल फीमेल्स होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिशरीज के बारे में। तो जनरली फिशरी होती क्या चीज़ है, तो फिशरी
मीन्स किसी भी फिश का या सेल फिश का या कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहे हो, उनका अगर हम कैचिंग करना है, प्रोसेसिंग और सेलिंग, इसी चीज को फिशरीज बोला जाता है। एक ब्लू रेवोल्यूशन आया था जिसमें फिशेस के इल्ड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। इसमें एक चीज होता है, कौन से फ्रेश वाटर फिशेस हैं और कौन से मेराइन वाटर फिशेस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक जगह ही मैं आपको पूरा बता दूं, फ्रेश वाटर फिशेस में आएंगे कैटला, रोहू, कॉमन कार्प, इसके अलावा कलबासू आते हैं, मांगूर हैं, ये सब कटला वगैरह, ये सब जितने भी पार्ट हैं सारे फ्रेश वाटर में आते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस में। मेराइन वाटर में पॉम्फ्रेट, मैकरल, सार्डाइन और हिल्सा, बॉम्बे डक वगैरह भी सारे इसी में आते हैं, फिशरीज के पार्ट है, मेराइन वाटर के पार्ट है। तो मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रखा है, पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर के बीच, दोनों बड़ा ही ईजी है। पीसी कल्चर क्या होता है? अगर हम कैचिंग और मैनेजमेंट कर रहे हैं मछलियों का तो इस चीज को बोलते हैं पीसी कल्चर। और नेक्स्ट है एक्वा कल्चर, मीन्स रियरिंग और मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, कोई भी एक्वेटिक प्लांट वो हो सकता है, कोई भी एक्वेटिक एनिमल हो सकता है, जैसे फिशेस, ओइस्टर्स, प्रॉन्स वगैरह हैं, तो ऐसे चीज को बोलते हैं एक्वा कल्चर। मैंने आपको ब्लू रेवोल्यूशन बताया, इसके साथ ही यहाँ पर बात की जाती है ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम बात करते हैं कोई भी ग्रीन चीज है, जैसे ग्रीन चीज नहीं सॉरी, जैसे राइस का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन, उसके बारे में हम आगे देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। तो अब हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हुआ, एनिमल हस्बेंड्री। अब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, ये दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में स्टार्ट हुई थी, वीट, मेज और राइस की प्रोडक्टिविटी के लिए बढ़ाया किया गया था। तो इंडिया में इसके एम एस स्वामीनाथन इनके नाम दर्ज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये किया क्यों गया, फायदे क्या रहे हैं इसके। तो डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी अगर हमें लेना है, अगर हमें हाई एल्डिंग वैरायटी तैयार करने हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। कुछ और भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से अगर हमें प्लांट को बचाना है, मीन्स कुछ ऐसे प्लांट तैयार करने हैं जो खराब से खराब कंडीशन में भी, अनफेवरेबल से अनफेवरेबल कंडीशन में भी जो अपना रह पाए, अडिग रह पाए, तो उनकी बात करेंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हमें याद रखने हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी मेन प्लांट ब्रीडिंग का, उसमें होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। मीन्स अगर हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होता है वो किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का सबसे रूट वाला पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं। जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है, किसी भी प्लांट, किसी भी सीड का अगर हम डाइवर्स एलील का सारा इंटायर कलेक्शन करते हैं किसी भी गिवन क्रॉप के लिए, तो इसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें फोकस करना होगा वेरिएबिलिटी के कलेक्शन पे, जिसे जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे एवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के। तीसरी चीज होती है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स के, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और भी फायदे क्या है, क्रूशियल स्टेप के पहले जो इवोल्यूशन ये चल रहा है या क्रॉस ब्रीडिंग जो हम करवा रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है, इसके बाद एक 100 से अगर हम 1000 अगर क्रॉसेस करवाते हैं तो उनमें से सिर्फ एक जो होता है वो हमारा डिजायरेबल कॉम्बिनेशन होता है। तो सोचिए कितना मुश्किल का ये काम होता है। इसमें तीन चीजें की जाती हैं, सबसे पहले इमेस्कुलेशन किया जाएगा, फिर बैगिंग की जाती है और फिर टैगिंग किया जाता है। तीन इसमें काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद बारी आती है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स की। ये काफी क्रूशियल स्टेप होता है, ये स्टेप के बिना ये संभव है ही नहीं, काफी क्रूशियल स्टेप होता है। साइंटिफिक इवेल्युएशन की जाती है किसी भी प्रोजेनी की, और सेल्फ पोलिनेशन तब तक किया जाएगा जब तक कि होमोजाइगोसिटी ना आ जाए, कहें तो जब तक यूनिफॉर्मिटी ना आ जाए, और जो कैरेक्टर्स हैं जो सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं प्रोजेनी में, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो पार्ट होता है वो हम बात करते हैं टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स। सबसे पहला जो इसमें पार्ट होता है, हमने इवेल्यूएशन करवाया, फिर फार्मर्स के फील्ड में जो भी अच्छे तीन ग्रोइंग सीजन है उसको पूरे कंट्री के जो अच्छे लोकेशन है एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, हमने वहां उसकी टेस्टिंग करवाई और उसको रिलीज कर दिया हमने न्यू कल्टिवेटर्स के लिए। तो ये पांच स्टेप होते हैं, पांचों के पांच स्टेप जो है प्लांट ब्रीडिंग में वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो याद रखिएगा, ये पांच स्टेप पूछे जाएंगे आपसे, सीरियल वाइज में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कुछ हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं। जो इंडिया की जीडीपी है वो 33% है,
लेकिन उसको इंप्लॉय करने वाली जो पॉपुलेशन है हमारी वो 62% है हमारा पॉपुलेशन। वीट और राइस मिड 1960s में इसकी प्रोडक्शन बढ़ी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया इस शुरू में। इसके बाद कुछ डोमेस्टिक हैं इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स जैसे मेज, वीट और गार्डन पी के बारे में बताया जा रखा है। यहां से हम बात करते हैं वीट और राइस की यील्ड हम कैसे बढ़ाया जा सका, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 1960 से 2000 के बीच वीट प्रोडक्शन जो था उसको इंक्रीज किया गया 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक। इसी तरह राइस के प्रोडक्शन को भी 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन तक पहुंचाया गया। सोचिए कितनी गजब की वैरायटी रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, कितना गजब का प्रोडक्शन हुआ, कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी हुई। इसी में 1963 के आसपास सोनालिका, कल्याण सोना जैसे हाई यील्डिंग और डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी वीट के इंट्रोड्यूस किए गए। यहीं पे बात आती है नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में, जो कि फादर रहे हैं, जिन्होंने एक ऐसी वैरायटी तैयार की। ये नॉर्मन ई बोरलॉग ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, जिन्होंने ऐसी वैरायटी तैयार की मेक्सिको इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज में सेमी ड्वार्फ वीट की एक अच्छी सी वैरायटी इन्होंने तैयार की। ये आप याद रखिएगा, सोनालिका और कल्याण सोना ये वीट की वैरायटी हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके बाद जो भी वीट ग्रोइंग बेल्ट हमारे इंडिया में है उनमें इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। और सेमी ड्वार्फ राइस की जो वैरायटी थी जिसको IRRI इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस जिसने प्रोड्यूस की IR8 और IR24 वैरायटीज, काफी अच्छी वैरायटीज मानी जाती है। इसके बाद सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो राइस का है वो IR36 है। इसके बाद टॉचिंग नेटिव 1 जो कि ताइवान से जिसको लाया गया, ताइवान में जिसको तैयार किया गया। सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो जया और रत्ना के हैं जो हमारे इंडिया में ही डेवलप किए गए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम सुगर केन की जरा बात कर लें कि सुगर केन के इंप्रूवमेंट को हम कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले एक सैक्रम बारबेरी था जो नॉर्थ इंडिया में ग्रोथ किया जाता था, लेकिन कमियां कुछ इसमें रही। सुगर कंटेंट इसका कम था, इसकी प्रोडक्टिविटी कम हुआ करती थी, यील्ड कम हुआ करता था। इसके बाद सैक्रम ऑफिसिनेरम को लाया गया जो कि ग्रोन किया जाता था साउथ इंडिया में, लेकिन उसका सुगर कंटेंट तो बहुत अच्छा था और ठीक स्टेम भी हुआ करता था। तो क्यों ना हम इस दोनों को क्रॉस करा दिया जाए, इससे हाई यील्ड बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी हो गई, स्टेम भी ठीक हो गए, सुगर कंटेंट भी ज्यादा हो गया, जो नोबल सुगर केन जिस नाम से इसको बोला जाता है, तो काफी अच्छा ये रहा। इसके बाद मिलेट्स में, मेज, ज्वार, बाजरा वगैरह में भी काफी अच्छा सक्सेसफुल डेवलपमेंट हमारे इंडिया में किया गया इसकी ब्रीडिंग। इसमें क्या हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी तैयार किए गए जो वाटर स्ट्रेस को झेल पाए, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रहा। इसके बाद डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटीज हमने तैयार की। डिजीज रेसिस्टेंस ब्रीडिंग कैसे होता है, उसमें क्या होता है, उसकी बात करेंगे हम। इसमें कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे ये पढ़ते भी हैं आप प्लांट डाइवर्सिटी में, जैसे कुछ रस्ट हैं जो फंजाई में लगते हैं, जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और बैक्टीरिया के हैं ब्लैक रॉट ऑफ क्रॉसिफर्स, और वायरसेस से टोबैक मोजाइक वायरस वगैरह, टर्निप मोजाइक वगैरह में लगते हैं ये सब। कुछ डिजीज वैरायटी तैयार किए गए जिसको हमें बॉक्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी में याद करना है, काफी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। जैसे वीट है, इस साइड में तो आपका दे रखा है क्रॉप दे रखा है, इसके बाद वैरायटीज दे रखी हैं, फिर डिजीज से कौन से डिजीज से रेसिस्टेंस है वो दे रखा है। पूरा का पूरा आपको ये डब्बा याद करना है जो भी एनसीईआरटी में बॉक्स बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीट के बारे में, तो हिमगिरी है, लीफ एंड स्टाइप रस्ट, हील बंड के बारे में, ब्रैसिका है तो पूसा स्वर्णिम, करण राई जिसे बोलते हैं, वीट रस्ट। तो ऐसे आप पूरा ये बॉक्स याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा चार्ट, आपको याद ही करना पड़ेगा ये, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ म्यूटेशन के बारे में, जिसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग करवाई जाती है, जो कि MS स्वामीनाथन ने सरबती सुनारा और पूसा लर्मा जैसे वैरायटी इन्होंने तैयार किए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद मूंग बीन में रेसिस्टेंस करवाया गया येलो मोजाइक वायरस के लिए, पॉल्ट्री मिल्ड्यू के लिए, ऐसे कुछ वैरायटीज तैयार किए गए जो कि म्यूटेशन से ही तैयार किए गए थे। इसके बाद आगे की ओर हम बात करें, और भी कुछ चीजें थी जो तैयार की गई, जैसे कि रेसिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस भिंडी में ये चीजें की गई, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस, तो ये वाइल्ड स्पेसिस से न्यू वैरायटी में इसको लाया गया, ठीक है, जिसको प्रभानी क्रांति के भी नाम से हम जानते हैं। म्यूटेशन का ऑर्डर आपसे अगर पूछा जाए, सबसे पहले रिसेसिव होगा, फिर हेरिटेबल होगा, और फिर हार्मफुल होता है, ठीक है। इसके आगे हम बात करें, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट
टेस्ट के लिए ये जो किया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। इसमें तीन चीजों पे फोकस किया जाता है। सबसे पहली जो चीज होती है वो मॉर्फोलॉजी होती है, फिर बायोकेमिकल, फिर फिजियोलॉजिकल। जो हेयरी लिप्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के, उनको एसोसिएट किया जाता है रेसिस्टेंस, जो भी इंसेक्ट पेस्ट के होते हैं, जैसे रेसिस्टेंस टू जैसेट्स इन कॉटन में तैयार किया गया। इसके बाद सीरियल लीफ बेटल इन वीट में, तो डायरेक्ट नाम आपको याद रखना है। वीट में जो सॉलिड स्टेम होता है वो नॉन प्रेफरेंस बाई स्टेम शॉफ्लाई, और स्मूथ लिप्स उसमें होते हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं करते बॉलवॉर्म को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, हाई एस्पार्टिक एसिड और लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट मेज का जो था उससे बढ़ाकर उसको रेसिस्टेंस बनाया गया मेज स्टेम बोरर के लिए। फिर इसके बाद एक चार्ट है, वो चार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, क्रॉप वेराइटी और इंसेक्ट पेस्ट, तो ये चार्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग को क्वालिटी के लिए इंप्रूव किया गया, जिस चीज को बायोफोर्टिफिकेशन बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है आपसे। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है कि हम क्रॉप्स का ब्रीडिंग अगर हमें कराना है, जो भी हायर लेवल जिनमें विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, हायर प्रोटीन होते हैं, हेल्दियर फैट होता है, क्योंकि पब्लिक के हेल्थ को अगर हमें इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है, तो ऐसे ब्रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसी चीज को बायोफोर्टिफिकेशन बोला जाता है। कुछ इंप्रूव किया जाता है प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी को, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी को, विटामिन कंटेंट को, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट को इसमें तैयार किया जाता है। इसके बाद बारी आती है 2000 के बारे में बात कर रहे हैं, 2000 एसबी के बारे में। इनमें मेज हाइब्रिड्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड उसमें बढ़ाया गया, जैसे लाइसिन और ट्रिप्टोफैन वगैरह को। इसके बाद एटलास 66 के बारे में बात करते हैं, जो कि एक वीट का वेराइटी है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बात करते हैं आयरन फोर्टिफाइड राइस के बारे में, जो कि 5 times ज्यादा होता है जो भी राइस में आयरन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद विटामिन ए इनरिच्ड कुछ तैयार किए गए, जिनमें शामिल है कैरेट, स्पाइनिक और पंपकिन वगैरह। इसके बाद विटामिन सी, जिनमें बिटर गोर्ड में, बथुआ में, मस्टर्ड में, टोमेटो में। और आयरन और कैल्शियम इनरिच्ड कुछ तैयार किए गए, स्पाइनिक और बथुआ। और प्रोटीन इनरिच्ड ब्रोड, लवलव, फ्रेंच और गार्डन पीस वगैरह तैयार किए गए। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है सिंगल सेल प्रोटीन का, मीन्स हाई क्वालिटी प्रोटीन और फैट्स में वो पुअर होगा, तो डेट इज सिंगल सेल प्रोटीन, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तो सिंपल से चीजें बताई गई हैं। 3 to 10 किलो अगर ग्रेन खिलाएंगे अगर हम किसी भी जानवर को, तो 1 kilometer का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो 250 किलो की गाय है, उसमें 200 ग्राम प्रोटीन पर डे ही बन पाता है। और इससे अच्छा जो होता है वो सिंगल सेल प्रोटीन होता है। सिंगल सेल प्रोटीन, इसमें क्या किया जाता है, ग्रोथ जो है वो 25 टन प्रोटीन हो जाता है, मीन्स बायोमास का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाता है। एक आपको याद करना है बैक्टीरिया का स्पेसिस, जिसका नाम है मेथालोफिलस मेथालोट्रोपस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अस्पायरुलिना के बारे में बात की जाती है, जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन मौजूद होता है, तो इस तो आप पढ़े ही हैं। अस्पायरुलिना का ग्रोथ हम कैसे करवा सकते हैं, जो भी वेस्ट वाटर होते हैं या जो भी पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट हैं, सेवेज वगैरह, वहां ये तैयार किए जाते हैं। मीन्स सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है, अल्टरनेट सोर्स है ये प्रोटीन का, किसी भी एनिमल के लिए या किसी भी ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, इसी चीज को सिंगल सेल प्रोटीन बोला जाता है। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी तो घटा रहा है ये, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है हमारा टिश्यू कल्चर, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है, कौन सा, कहां ये हम तैयार करेंगे, तो ये एपिकल मेरिस्टेम या एक्सिलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम को ही क्यों यूज किया गया, क्योंकि उसमें वायरस फ्री होता है वो, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ पार्ट इसमें लेते चलें। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लांट्स के बारे में। एक्सप्लांट क्या होता है, किसी भी पार्ट, कोई भी प्लांट का पार्ट जो कि जिसको हटाया गया ओरिजिनल लोकेशन से और उसको इनिशिएटिंग कल्चर में डाला गया। कोई भी ग्रोथ जो होता है वो स्ट्राइल कंडीशन में ही होता है, कोई स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट के मीडियम होते हैं उनमें ही उनको तैयार किया जाता है। इसके बाद बारी आती है टोटिपोटेंसी की। किसी भी प्लांट के सेल की पूरी प्रॉपर्टी होना, एक कैपेसिटी होना कि वो पूरे प्लांट को तैयार कर दे, इस चीज को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। सबसे पहले तैयार करने वाले हैबरलैंड थे। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो बेस्ड है टोटिपोटेंट नेचर पे ही प्लांट सेल के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, कोई भी 1000 प्लांट हमने लिए और उसको टिश्यू कल्चर से हमने प्रोड्यूस करवाया, तो इसी चीज को हम माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसके बाद सोमा क्लोन्स होते हैं, प्लांट जो प्रोड्यूस कराए गए टिश्यू कल्चर मेथड से, इन्हें सोमा क्लोन्स बोला जाता है। इसके बाद बारी आती है मेरिस्टेम, तो मैंने बताया ही, ना जाने 3 to 4 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, पूछा जाएगा वो कौन सा पार्ट होता है,
जिसको प्लांट को किया जाता है तो मेरिस्टेम वो पार्ट होगा, क्योंकि उनमें वायरस एब्सेंट होते हैं, वायरस फ्री होता है वो। इसकी बारी आती है प्रोटोप्लास्ट के बारे में। अगर हम सेल में से सेल वॉल को हटा दें, इसी चीज को तो प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट का काफी अच्छा यहाँ यूज किया जाता है। इसके बाद सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, वो हाइब्रिड जो सोमैटिक सेल्स के दो स्पेसिस या दो वैरायटी के फ्यूजन से बने हैं उनको सोमैटिक हाइब्रिड बोला जाता है। इसी चीज को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, मींस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड। कैसे इनको तैयार किया जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, एनसीईआरटी में नहीं था तब पर भी पूछा गया। जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है इसमें हम ट्रीटमेंट करवाना होगा हमें पीईजी का, मींस पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल का। इसके बाद जो इंपॉर्टेंस है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का, जिससे हमने तैयार किए पोमेटो, मिस पोटैटो और टोमेटो को हमने क्रॉस कराया। ऐसे न जाने कितने हैं पोमेटो, बनाना, एप्पल टाइप के बहुत सारे जो टिश्यू कल्चर से बनाए गए, तो आप समझ सकते हैं टिश्यू कल्चर का कितना अच्छा यूज है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर था ये यहाँ पर खत्म हुआ, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। एक बार एनसीईआरटी पूरी जरूर पढ़िएगा और वीडियो को जरूर एक बार और देखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने इसमें अंडरलाइन कर दी हैं, तो वो पार्ट आप फिर से एक बार देखिएगा और कंट्रीब्यूट करना ना भूले। कंट्रीब्यूशन के लिए मैंने आगे भी स्लाइड लगा रखे हैं, लास्ट में भी स्लाइड है, मिस 10 रुपीज ही तो पर मंथ करना है, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया बार बार हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारे वीडियो को शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।